सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कि आपको क्या सुनने समझने की ज़रूरत है, सो व्हाट यू नीड टू हेयर राइट नाउ। सो आपके लिए हमने रखे हैं दो पाइल हमेशा की तरह। सो पाइल वन है हमारे पास ऑरेंज, आप देख सकते हो इट्स अ ऑरेंज कैंडल, एंड पाइल टू है हमारे पास येलो। सो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही है, आपको जो भी समझ में आ रही है, सो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, नाउ यू कैन सिलेक्ट योर कैंडल। सो आपका जो इंट्यूशन कहता है, जो आपने सबसे पहली बारी देखा है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एक पहली पायल रेजोनेट नहीं कर सकती करती है तो आप दूसरी भी देख सकते हो, आप मेरी फुल वीडियो देख सकते हो। ओके, सो उससे पहले जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहां से मेरा नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम पाइल वन से स्टार्ट करते हैं। पाइल वन जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का कैंडल सेलेक्ट किया है, सो उनके लिए क्या आपको सुनने की ज़रूरत है, क्या चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, सो मैं वो बताऊंगी। एंड हम टैरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं टैरो कार्ड्स तो हमेशा यूज़ करती हूँ, वो उसके बिना कैसे कोई काम चल सकता है मेरा। सो हम देखते हैं कि जिन्होंने पाइल वन ऑरेंज कलर का कैंडल सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं निकल के। सो गुड लक एंड बी पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव रिसीव करोगे, सो उस हिसाब से आप अपनी एनर्जी को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो आने दो कोई मैसेज। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी फीलिंग आ रही है आपकी, आपके लिए कि आप ऐसे गोल 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 घूम रहे हो। सो ये चीज से आपको निकलना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जगह है निकलने के लिए, लेकिन आप उस चीज में गोल 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 घूम रहे हो। सो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड मुझे लग रहा है किसी से आप बहुत ज्यादा मतलब आप किसी से सॉरी बोल रहे हो, या फिर मुझे लगता है किसी कोई आपको छोड़ के चला गया, तो आप उसके बिल्कुल मनाने में पड़े हुए हो, चरणों में कहते हैं ना, चरणों में हो आप उसके। तो इस तरीके की मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, भले ही वो मान नहीं रहा है, बट आप जो है अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी, पूरी कोशिश कर ली है आपने। सो मुझे लग रहा है, देखो भाई, आपने जो बोया है वो पाओगे। सो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी जो लाइफ में ग्रोथ है, ठीक है, वो तब होगी जब आप चीजों से निकल जाओगे और चीजों को लेट गो कर दोगे, चीजों को छोड़ दोगे, तब आपकी लाइफ में ग्रो है। अदरवाइज तो फिर आप एक एक करके अपने लिए गड्ढा खोदते जा रहे हो, और उसके बाद ना आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो है नया कुछ सीखने की कोशिश करो, थोड़े टाइम के लिए आप फोकस रहते हो उस चीज के लिए, न्यू थिंग को सीखने के लिए, बट मेरे को लगता है आप फिर से वही कंडीशन में आ जाते हो, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले जाते हो, देन आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपको करना क्या है। आप फोकस रहते हो, थोड़े टाइम के लिए रहते हो, उसके बाद से आपकी चीजें फिर से वही चीजें चलने लगती हैं। देखो, जिंदगी में कहते हैं ना, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। सो ये बात बहुत ज्यादा सीखने वाली भी है, क्योंकि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। सो ये आप कब रियलाइज करोगे, जब आपकी लाइफ में इसके बाद जब आप इस चीज से निकलोगे और जब आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, तब आपको समझ में आएगी कि क्यों आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं या क्यों हुई हैं। कहीं कई लोग ऐसे हैं जो खुद का ही बिगाड़ लेते हैं, अपनी लाइफ अपने करियर को बिगाड़ रहे हो, और कई लोग ऐसे भी हैं ना जो अगेन पुरानी वाली एनर्जी में जा रहे हो। सो मैं बोल रही हूँ उसमें जाने की आपको जरूरत नहीं, अदरवाइज आप कि सिर पे ना बहुत भार हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे फील होगी ना कि मैं करूं तो करूं क्या, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो मेरे हिसाब से जो मैं बोल रही हूं उसको ध्यान दो, डोंट लुक बैक एंड जियो प्रेजेंट में और फ्यूचर का सोचो, ये आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज चीजें फिर से फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, इस तरीके की एनर्जी में जाओगे ना, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा आपको। मेरे हिसाब से जो मैं बोल रही हूं, हीलिंग पीरियड, मुझे तो कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है हीलिंग पीरियड अगर हील कर भी रहे हो तो उतने अच्छे तरीके से कर ही नहीं पा रहे हो आप अपने आप को हील, फिर से अगेन आपको वही चीजें दिमाग में चलने लगती हैं, पता नहीं क्यों क्या चलता है। देखो, आप एक ऐसी, मैं आपको बता रही हूँ, आप एक ऐसी इंसान है, आप एक ऐसे पर्सन है, अगर आप मेहनत करोगे ना, आप राजा या रानी बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। एक बात याद रखना मेरे को, मेरी मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है ना ताज पहनोगे अपने सर पे, देख लेना आप, लेकिन मेहनत बहुत है, आपको लेट गो करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि आप में इतना पोटेंशियल है, आप में इतनी सारी चीजें हैं कि आप सब काम कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट आप खुद के लिए चीजों को क्रिएट कर रहे हो, खुद की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, और ये होगी भी नहीं,
लेकिन आप करे जा रहे हो, सो डोंट डू दैट। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल इस तरीके की एनर्जी में जाओगे आगे, अगर आप इस चीज से जितनी जल्दी लेट गो कर लोगे तो आप इस तरीके की एनर्जी में जाओगे कि आप राजा रानी की तरह जियोगे एंड यू विल गेट एन अथॉरिटिव पोजिशन। देख लेना, आप अथॉरिटिव पोजिशन ना मिले तो कहना आप कई लोग, लेकिन आप जब तक पुरानी एनर्जी में रहोगे, स्टक रहोगे, तब तक आप कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से देखो बाकी चीजें, वो तो देखो यहाँ पे मेरे को मिलता है कि वी फॉर कहते हैं कि मेरे को लग रहा है कि आप बिन मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि आप ना अपनी चीजों को बहुत हाइड कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हाइड कर रहे हो, ठीक है, और आप खुल के किसी को बता नहीं पा रहे हो। मुझे ये वाली एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप जो है अपनी फीलिंग्स को दबा दबा के रख रहे हो एंड अपनी चीजें बता ही नहीं रहे हो किसी को, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे हो। सो ये मेरे को एनर्जी रिसीव हो रही है। सो अपने हिसाब से देखो भाई, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे लोग होंगे या घर में भी होते हैं, फैमिली मेंबर्स में मम्मा पापा भी होते हैं जिनसे आप शेयर कर सकते हो, तो शेयर करो, शेयर करने से आपको फायदा मिलेगा एंड हीलिंग ज्यादा अच्छे से होगी। मेरे को कई लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, कि उनको क्या करना है, सो बेस्ट 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 कर रहे हो। और जो लोग टू अ पेंटिकल्स की एनर्जी में अगेन एंड अगेन जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, मैं बोल रही हूँ उनको नहीं जाना है। सो आप कहीं ना कहीं मून की कंडीशन में जा रहे हो, लाइक आपको अगर लोग कह भी रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कह रहे हैं, बट आप ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसको सोचने समझने की क्षमता आप में बची नहीं है अब। लेकिन अब आपको इस चीज से हील करना पड़ेगा, इस चीज से निकलना ही है आपको, अदरवाइज तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं बोल रही हूँ आप एक ऐसी पोजीशन पे जा सकते हो, सारी काबिलियत है आप में एक तो कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, आप मतलब कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं अपने आप में। सो अगर आप इस चीज को अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाओगे तो सारी चीजें आपको पॉजिटिव मिलने लगेंगी। आप अपनी सेल्फ लव अफर्मेशंस पे ध्यान दो। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती कोई को दिमाग में बिठा के बैठे हो, लेकिन सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आप उससे मतलब उसके पीछे ही पड़ गए हो, तो वो तो दूर जाएगा ही ना, उसके पीछे पड़ोगे, उसको थोड़ा आराम दो, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो कि चलो ठीक है आप अपनी लाइफ जी लो। इस तरीके से आप उनको बोलो, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज तो चीजें ऐसी ही रहेंगी आपकी, फिर आप उस कंडीशन से बाहर नहीं आ पाओगे। देखो एक बात और सुन लो मेरी, कि ठीक है आपको धोखा मिला है, आपको किसी ने कोई छोड़ के गया है एंड ऑल चीजें, लेकिन अब आपको वो करके दिखाना है ना, ताकि वो आपके लिए दोबारा से सोचे, उसको लगे कि मैंने गलती करी है। तो इस तरीके का आपको काम करना है, ना कि उसको बोल के कुछ करना है, ना कुछ बोलो उससे, अपनी लाइफ में अपने फोकस रहो, करियर बनाओ, अपने आप समझ में आएगा उसको कि आप क्या थे और क्या समझा था उसने। समझ रहे हो आप एक मतलब इतनी अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो, यू आर सो हार्ड वर्किंग। मुझे लगता है आप काफी इंटेलिजेंट थे पहले, पढ़ाई को ले लो, किसी भी मामले में ले लो, बट नाउ आप यही तो बात है, आजकल सब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो बहुत निकलना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट निकलो, कोशिश करो, कोशिश करोगे यू विल डेफिनेटली रिसीव सम पॉजिटिव काइंड ऑफ चेंज। सो मुझे लगता है देखो अगर पॉजिटिव चाहिए ना तो रिसीव करो, जो आपको प्रपोजल आ रहा है मैरिज का एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। आप वो एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपको चीजें भूलने में आसानी होगी, समझे, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, फिर उसमें ही लगे रहोगे या फिर चीजों को समझेगा, ठीक है। सो इस हिसाब से मेरे हिसाब से, बाकी तो भाई आपकी बाकी आपकी जिंदगी, आपको जो करना है, सो मैं तो सिर्फ बोल सकती हूँ, सो मैं बोल देती हूँ, आप जो हैं स्ट्रांग बन सकते हैं, क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल कर लिया है, इट्स ओके, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। अकेले अब जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, अब अकेले आप लोग ही तो नहीं हो जिन्होंने इतना सब कुछ देखा है, लाइफ में इतना कुछ झेला है, बहुत लोग हैं भाई दुनिया में। क्या वो काम नहीं कर रहे हैं, क्या वो अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं दोबारा से? दोबारा क्या होता है, इतनी पॉपुलेशन में सिर्फ आपको वही इंसान दिखा है, ठीक है भैया, वही इंसान दिखा है, उसके बाद और लोग कहाँ, और इतनी बड़ी दुनिया में आपको और भी लोग उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। सो मेरे हिसाब से जो चीज आपको मिलती है या जो आपके प्रेजेंट में है अभी, वो एक्सेप्ट करो, चीजों को भूलने की कोशिश करो एंड आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप में बहुत पोटेंशियल है हर एक चीज का, गो फॉर इट एंड गो विथ फ्लो।
देखो मैं एक बात बता देती हूँ कि आप अपना करियर बना लोगे ना, मैं देख रही हूँ कि अगर आपने अपना करियर बना लिया, फोकस हो गया ना, लौट के वो खुद ही आएगा आपके पास। फिर आप एक्सेप्ट मत करना और करोगे भी नहीं, ये भी लिख लो। आप अपनी हैप्पी वाली एनर्जी में चले जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अलोन टाइम स्पेंड बिल्कुल मत करना, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेलिब्रेशन आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है उसको आपकी लाइफ में आने से। बोझ लग रहा है ना अभी, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है ना, कि इतना ज्यादा क्यों मेरे ऊपर बर्डन, क्यों ऐसा क्यों वैसा। जिस पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग। सो ये बात याद रखना। एंड जिसको लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, जैसे घर में आपको देते होंगे कभी कि ये काम आप, फिर आप बोलते होंगे मेरे ही से ही सारे काम, क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसलिए। सो आप जो है अपने आप को सेल्फ लव अफर्मेशन डेली बोलो, डेली बोलो, डेली बोलो, सुबह शाम बोलो, जब मन करे तब बोलो, देखना आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। सो ये थी हमारी पाइल वन की रीडिंग, ठीक है। सो हम देखेंगे अभी टैरो कार्ड से हमारे कि टैरो कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, लेट्स चेक। यार ये कार्ड्स तो मेरे से कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से शफल करती हूँ उसको। सक्सेस इज ऑन योर वे, सो खुशियां ही खुशियां, एंड मैरिज प्रपोजल है एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट। ओके सो वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, एज आई टोल्ड यू, वी हैव सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सो मुझे लगता है आप पीछे का बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, बट आप बिल्कुल भी ना देखें, फैमिली मैटर बन सकता है एंड भी मतलब के झगड़े हो सकते हैं, इस चीज से निकलने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें आपको मिलेंगी लाइफ में। अगर आप नहीं जाओगे तो देखो ऐसे मत बनना कि आपको जो भी मान लो किसी का प्रपोजल आया है आपको मैरिज का, सो इस तरीके से मत बनना आपकी उसमें ये कमी है उसमें वो कमी है, क्योंकि आप में भी कई कमियां है ना। आप अपने मतलब आप अपने आप को पहले देखो, फिर उसके बाद आप सोचना उस इंसान के बारे में कि उसमें क्या कमियां है, तो आपको अपने ही में कमी ज्यादा नजर आएगी। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि अगर किसी को माफ करना है, नहीं कर पा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक काम करो कि उसकी गलती को छोटा और अपनी गलती को बड़ा मानो। आप इतना जल्दी माफ कर दोगे ना उसे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सुकून मिलेगा। सो मेरे हिसाब से देखिए आप अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस होना है आपको, एंड पुरानी चीजों को ध्यान बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं जाना है, मतलब के लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, और ये भी नहीं करना है कि आप अपनी फैमिली में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हो बेमतलब का, बिना बात के। सो बिकॉज क्योंकि आप मेंटली परेशान हो, इसलिए मेंटली परेशान हो क्योंकि आप ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ना अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ना किसी को कुछ बता रहे हैं इस वजह से। और ये सब चीजों से लेट गो करोगे तो न्यू बिगनिंग है आपकी एंड लाइफ में सक्सेस है। और एक बात और है कि जल्दी से ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में, डोंट वरी, बट मेरे को लगता है थोड़ा सा टाइम है। ओके सो ऑलमोस्ट 5 weeks to 5 months, ओके सो इसके बाद आपकी चीजें सुधर जाएंगी, एंड डू योर हार्ड वर्क एज इट इज पॉसिबल। ओके सो नाउ हमारा जो पाइल टू है, जिन्होंने ये येलो कैंडल सेलेक्ट किया है, सो उनके लिए क्या रीडिंग आती है। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, एंड बी पॉजिटिव, एज आई हमेशा बोलती हूँ कि बी पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव रिसीव करोगे। सो हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हवा का झोंका आता है, आपको एक धक्का देता है, फिर से आप समझ जाते हो, इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है मुझे। क्या चाहते हो, पूरी दुनिया पे राज करना, मतलब कि दूसरे अंडर में काम करें, इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है मुझे। चाहते हो क्या ऐसा, बताना मुझे।
सेलिब्रेशन चाहिए, थर्ड पार्टी से परेशान हो, परेशान हो गए हो कि थर्ड पार्टी आ गई है आप दोनों के बीच में। कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ओके सो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो, मैंने बोला नहीं जाना है, हर्मिट की एनर्जी में जा रहे हो, नहीं जाना है, बी पॉजिटिव। इतना अच्छा, इतनी अच्छी लाइफ है आपकी, एक लाइफ मिली है उसको फुल एंजॉय करो, ठीक है। जो लोग जल्दी भूल जाते हैं ना चीजों को, वो ज्यादा सक्सेसफुल भी रहते हैं, याद रखना एक बात। बट आपको मैं इतना समझाती हूँ, मेरे को तो कभी कभी ये लगता है कि मैं इतना समझाती क्यों हूँ, फिर भी ठीक है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है समझाना, जो मेरी बात समझ जाए तो और भी अच्छा है। गुस्से में हो, डेविल एनर्जी, लाइक चाह रहे हो कि अगर उसकी शादी तय हो गई हो, उसकी एंगेजमेंट हो गई, टूट जाए बस ये मेरे पास आ जाए, हाँ ऐसी एनर्जी। सही बताओ, अलग अलग करना चाहते हो उन दोनों को, क्यों? जब आपकी किस्मत में वो इंसान नहीं है तो आप कैसे अलग कर सकते हो, बताओ? जब आपकी किस्मत में और कोई लिखा है, उनकी किस्मत में और कोई लिखा है, तो आप कैसे अलग कर सकते हो किसी को? कभी मत सोचना इस बारे में अगर किसी के दिमाग में ये थॉट आ रहे हैं, मतलब ये चाह रहे हो कि बस तू मेरे पास आ जा, क्यों जा रहा है तू दूसरे के पास? ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है ना, मेरे को बताना कमेंट करके कि ऐसा कुछ है क्या। अकेले अकेले घूम रहे हो आजकल, अकेले अकेले रह रहे हो, हैं? हीलिंग पीरियड में हो क्या, हील कर रहे हो खुद को, गुड फॉर यू। एल अल्फाबेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड आई एम गेटिंग कि किसी का हाथ थाम लिया आपने, उसको नहीं जाने देना, नहीं जाने देना, मेरे को, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। देखो आप ही जाओगे ना तो आप उसको फोर्स कर रहे हो आने के लिए, उसकी इच्छा नहीं है आने की, आप फोर्स कर रहे हो उसको आने के लिए अपने पास। किसी को फोर्स करके अपने पास बुलाओगे तो क्या वो फीलिंग्स आएंगी, क्या वो फीलिंग्स रहेंगी? सो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि किसी को फोर्स करके आप बुलाना चाह रहे हो, क्योंकि उसमें वो फीलिंग्स नहीं आएंगी, ना ही आपके अंदर आएंगी, और फिर आपको गुस्सा आएगी, चिड़चिड़ापन होगा। सो फोकस करो अपनी चीजों पे, फोकस करो अपनी पर्सनैलिटी पे कि आपको कैसे डेवलप करनी है। आप थोड़े से बन रहे हो डेविल पर्सन, सो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइक आप, मेरे को लगता है आप बहुत स्टॉक कर रहे हो उस इंसान को, एंड मुझे लगता है कि डसने वाले हो, लाइक आप ना कि बस इसको तो मैं अच्छी सुना दूंगी, ये कैसे गया दूसरे के पास। या फिर मुझे लग रहा है कि कई लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि जिसके साथ शादी हुई है उसको ही सुना दूंगी कि ये तो मेरे साथ था। ये कभी मत करना, मेरे हिसाब से मत करना। आगे आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा करे तो अच्छा लगेगा आपको, नहीं ना? मेरे को लगता है आप भी कम चालाक नहीं हो, पूछो कैसे ऐसे कि मुझे लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं कि अगर आपको, आप मतलब जिसकी थाली में खाते हो उसकी थाली में छेद करते हो। कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे, झूठ मत बोलना मेरे से, हैं ऐसे। लाइक मुझे लगता है कि अगर आपका काम बन रहा होगा तो आप उसकी खिदमत बहुत करोगे, और जैसे ही आपका काम गया और आपने अपना रूप दिखाया, ये वाली एनर्जी मुझे रिसीव हुई है बहुत ज्यादा। पूरा हील करो खुद को, थोड़ा ही सा बचे हो हील करने के लिए, ज्यादा डेविल बनने की जरूरत नहीं है और ना ज्यादा किसी का नुकसान करने की जरूरत है। हेल्थ पे ध्यान दो, नहीं तो लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। सिगरेट विगरेट कम कर दो थोड़ा सा पीना, एंड सॉरी इट्स इंजीरियस फॉर हेल्थ, सो मतलब ये मत ले लेना मेरा कि मैंने ऐसे बोला है, ये आपकी अपनी मर्जी, आपकी च्वाइस है। हेल्थ इशू हो सकता है थोड़ा सा, ओके सो मेरे को लगता है कि आपको कोई फोर्स करता है कुछ करने के लिए, मेरे को लगता है गलत एडवाइस मिलती है आपको, पता नहीं क्यों। अगर आप कुछ सीखने का कोशिश करते हो तो मुझे लगता है कि पता नहीं कैसी वाली एनर्जी आ रही है कि आपको गलत सलाह दे देता है। चक्रव्यूह में फंसे हो, निकलो वहां से, ठीक है। सेट नहीं कर पा रहे हो गोल अपनी लाइफ में, है कि यही करना है,
भटकती आत्मा बन गए हो, भटकते ही रहते हो भाई, भटकना नहीं है, अपनी लाइफ पे फोकस करो। मेरे को तो लग रहा है किसी को बहुत सुनाने, मतलब सुनाने वाले हो, किसी को बहुत सारी बातें सुनाने वाले हो उसको, वो भी परेशान हो जाएगा। देखो कितना भी परेशान रहो, जितना पॉजिटिव सोचोगे ना, एक भी परेशानी नहीं आएगी। परेशान नहीं रहना है। एनर्जीज तो पता नहीं कौन से प्रकार की यहाँ पे रिसीव हो रही है पहले सेकंड में। मेरे को तो लग रहा है कभी बहुत खुश हो जाते हो, कभी बहुत गम में चले जाते हो कि हाय मेरी लाइफ में यही सब क्यों हो रहा है, क्यों होता है, क्यों सारी चीजें, इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। भाई आप अपना याद ध्यान रखें थोड़ा सा, और जो आप गलत गलत काम करने का सोच रहे हैं बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि आगे आपके साथ अगर ऐसा कोई करेगा तो कैसा लगेगा, बेकार ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत डेविल वाली एनर्जी में आ गया हूँ, लोग मुझसे डरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखो जबरदस्ती किसी के साथ मत करना, फोर्स मत करना किसी को बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये आपका टेम्परेरी रहेगा फिर, समझ रहे हो आप। एंड जो आपके आसपास, जो आपके लगता है मुझे, जो भी आसपास है ना आपके, जो भी आपको आसपास के प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए मैं बोल रही हूँ, प्रैक्टिकली सोचो एंड एक्सेप्ट करो। अगर अच्छा है तो एक्सेप्ट करो, ये नहीं कि मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि मेरे को मेरा एक्स ही वापस चाहिए, तो ऐसे पॉसिबल है क्या, नहीं ना। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। हो सकता है कई लोग जिनकी मैरिज हुई है तो मुझे लगता है कि उनके हस्बैंड शायद उनसे दूर है, इस वजह से वो अपने सिंगल पेरेंट हैं अभी। तो आप लोग गलत ना सोचें, आप लोग अच्छा अच्छा सोचें तो आपको अच्छी चीज़ें रिसीव होंगी। सो ये थी हमारी पाइल टू की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड हम देखेंगे टैरो डेक से। चाह रहे हो कि वो वापस आ जाएगा, बट मैं चाह रही हूँ मत आए, क्योंकि ये रिवर्स में आया था कार्ड, बट मैंने ले लिया उसको अपराइट में। दुआएं मांग रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, हैं? गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, लाइक आपको खुद को समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है, खुद इतने मिस्टीरियस हो। चाह रहे हो कम्युनिकेशन हो जाए सामने वाले से, बस कैसे भी करके बातचीत हो जाए उससे, कैसे भी करके वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। भले ही दूर दूर इतना चला गया, कैसे वापस आ सकता है भाई। देखो हर मिनट, मैंने बोला था फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, सो हो, भाग्य तब बदलेगा भाई, भाग्य बदलना है अपना, चेंज करना है, इन सब एनर्जी से बाहर आओ तब चेंज होगा आपका भाग्य, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। एंड मुझे लगता है कि आपके आपके सामने आपके साथ जो रहे हैं रिलेशन में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी में। सो ये थी आज की हमारी रीडिंग, सो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एंड जिसको लास्ट में जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहां से लेके मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।